हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो फिर मैं एक नया लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो ये लेक्चर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है ना। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कॉलम डिजाइनर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ कसर रह गया होगा पिछले लेक्चर में, यानी पिछले यूनिट में जो भी कसर रह गया होगा, ठीक है ना, जो भी कसर तुमको पिछले यूनिट में रह गया होगा उसको हम लोग ऑफलाइन जब खुलेगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओवरव्यू अभी देख लो इसका। ठीक है, तो अब आपका लास्ट यूनिट है, यूनिट 8, आरसीसी का लास्ट यूनिट, यूनिट 8, दैट इज इसके बाद फिनिश। उसमें से आपका एक यूनिट मैं नहीं पढ़ाया हूँ, वो रह गया है आपका टीबीम, है ना, टीबीम रह गया है, तो उसको भी देख लेंगे, है ना, टीवी में क्या होता है। या एक यूनिट छोड़ भी दोगे तो क्या, अरे 5 ही नंबर का है ना टीवी में, देखो देख लेते हैं कितना नंबर का है टीवी में तुम्हारा। लिमिट स्टेट मेथड में टीवी में छोड़ेना नहीं है, मतलब बात के मतलब कह रहे हैं कि टीवी में कितना का आता है, 8 नंबर का है, 8 नंबर का है टीवी में, और ये 10 नंबर का है आपका क्या, कॉलम डिजाइन। ठीक है, कॉलम डिजाइन आपका कितना है, 10 नंबर का, यानी कि कंप्रेशन मेंबर को डिजाइन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, कॉलम क्या उस पर लोड आएगा, तो कंप्रेसिव लोड ही आएगा ना, हाँ बोलो कैसा इसमें लोड आएगा ना। अरे बात हम ऐसा करें, चलो जैसे कि ये मान लेते हैं कुछ देर के लिए कॉलम है इसका, सर्कुलर कॉलम है आपका, तो इस पर लोड अप्लाई करें तो क्या कंप्रेस हो रहा है कि नहीं, तो कंप्रेसिव लोड इस पर आएगा, इसको कंप्रेशन मेंबर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कॉलम के बारे में, किसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ओहो, तो यूनिट 8 हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलम का। ठीक है ना, लेक्चर आपका ये 32 है, तो ये कॉलम है, इसमें देखो ये बहुत शानदार कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है ये। ठीक है, ये कहाँ का है आपका इमेज, तो ये इमेज मैं बताता हूं, दोनों सेम ही इमेज है ना, ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का है। ठीक है, मुंबई में है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, वहीं पे जबरदस्त कुछ खूबसूरत कॉलम डिजाइन किया गया है वहां पे। देखो यहाँ पे ये कॉलम डिजाइन किया गया, यहाँ पे ये कॉलम है, सब स्लैब है, मतलब इसमें कैंटीलीवर भी जबरदस्त है कि नहीं, देखो कैंटीलीवर ही ना जी, इधर और हैंगिंग पोर्शन है, तो कैंटीलीवर स्लैब हो गया, क्या हुआ कि नहीं, तो ये आपका कैंटीलीवर स्लैब है इधर, है कि नहीं, इधर भी कैंटीलीवर स्लैब है, और ये आपका क्या आ गया, यहाँ से यहाँ कॉलम है, कंप्रेशन मेंबर है, इस पर कैसा लोड आ रहा है, कंप्रेसिव लोड आ रहा है कि नहीं, तो इस पर कंप्रेसिव लोड आ रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग अगर टी बीम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कैसा होगा टी बीम, तो टी बीम क्या होगा, ऊपर से हम लोग स्लैब के साथ उसको फिक्स्ड कर देंगे तो टी बीम हो जाएगा, है ना, और कैंटिलीवर के साथ उसमें होना चाहिए, मतलब टी बन रहा होगा, उसको टी बीम बोलेंगे, तो हम लोग देखेंगे जब लेक्चर उसका पढ़ेंगे तो। ठीक है, टी बीम एक इस प्रकार है ना, तो ये तो अभी कॉलम है, कंप्रेशन मेंबर देखते हैं। ठीक है, यही उसका थोड़ा सा दूर से इमेज है इसका, इस एयरपोर्ट का, है ना, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई का है इमेज। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत कॉलम यहाँ पे बनाया गया था, सिलिंड्रिकल भी है, सर्कुलर कॉलम है। ठीक है, सिलिंड्रिकल भी बोल सकते हैं ना, सर्कुलर है तो सिलिंड्रिकल है, चलो ठीक है, सेक्शन उसका सर्कुलर होगा, और बाकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिलेंडर आ जाएगा, क्या आएगा ना, तो कॉलम हम लोग कहते हैं किसको है, तो वर्टिकली कंप्रेसिव मेंबर को हम लोग कॉलम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है कॉलम होगा, अरे इससे लोड ट्रांसफर कर रहे हैं आप सब ग्रेड में, सॉइल में कर रहे हैं कि नहीं, फुटिंग द्वारा सॉइल में कर रहे हैं, तो कैसे कैसे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे स्लैब है, इस पे क्या होगा, सॉरी बीम है, बीम के ऊपर स्लैब होगा, तो अगर स्लैब आपको क्या करेगा, बीम को ट्रांसफर करेगा लोड, बहुत सारे लोड ईबीएल, फिर स्लैब किसको ट्रांसफर करेगा, कॉलम को लोड,
और कॉलम ट्रांसफर करेगा सॉइल को। तो इसमें हर का जबरदस्त इंपॉर्टेंट रोल है। हर देखो बीम नहीं रहेगा तो कॉलम क्या लोड कहां से लेगा लोड, ठीक है। और स्लैब नहीं रहेगा तो बीम को लोड देगा कौन, सिर्फ स्ट्रक्चरल लोड ही ना आएगा। तो इसमें हर का इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसका होना चाहिए, कॉलम आपका स्ट्रांग होना चाहिए तब तो मैक्सिमम लोड लेगा, क्योंकि इस पर एक ही स्लैब एक ही बीम का लोड नहीं आ रहा है, बहुत सारा इसमें बीम होगा तो एक जगह कंबाइन होगा, है ना, मतलब चार बीम एक जगह कंबाइन हो सकता है। बड़ा सा कॉलम आप बनाए हो तो जंक्शन बनेगा ना, तो चार बीम भी कंबाइन हो सकता है क्या, तो स्ट्रांग होगा ना कॉलम, स्ट्रांग होना चाहिए लोड लेने के लिए, क्या होना चाहिए। तो अब शेप के आधार पे कैसा कॉलम आपको मिलेगा, बहुत सारे शेप हो सकता है ना। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉलम का टाइप क्या होता है। देखो कॉलम कहीं व्हाइट पेज नहीं छूटा ना, चलो यहीं पे आते हैं, देखो व्हाइट पेज नहीं कहीं पे रखें, चलो कोई दिक्कत नहीं। कॉलम देखो एक होता है स्ट्रट, एक होता है कॉलम। तो एल इफेक्टिव, अभी मैं बताऊंगा एल इफेक्टिव ये सब क्या है, अभी थोड़ा सा, अरे यार ये तो एक्स्ट्रा ले लेता है ना। एल इफेक्टिव अपॉन बी इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो किसको बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा। एल इफेक्टिव अपॉन बी को हम लोग बोलेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। तो कहने का अर्थ है कि लेमडा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 12 आ गया, ठीक है, तो आपका लॉन्ग कॉलम है, क्या है, लॉन्ग कॉलमन है ना, लॉन्ग होगा और शॉर्ट कॉलम भी होगा, ठीक है। लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 12 आ गया, मतलब एल इफेक्टिव अपॉन बी का रेशियो अगर 12 आ गया तो लॉन्ग कॉलम है, और अगर एल इफेक्टिव अपॉन बी का रेशियो लेस देन 12 आ गया तो आपका कॉलम कौन सा है, शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम इसी को हम स्ट्रट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एल इफेक्टिव अपॉन बी का रेशियो लेस देन 12 होगा तो स्ट्रट होगा, वो शॉर्ट कॉलम भी उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार का आपको कॉलम डिजाइन करना है, एक शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, ठीक है। और उसमें तो बहुत सारा शेप कॉलम होता है, देखो शेप के आधार पे, साइज के आधार पे, है ना, कि उसका साइज आपका क्या लिए है, मतलब क्रॉस सेक्शनल के एरिया के भी आधार पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शेप के आधार पे देखते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है। अब शेप के आधार पे तो देखते हैं कि स्क्वायर कॉलम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कॉलम मे बी क्लासीफाई एज फॉलोइंग। तो स्क्वायर कॉलम हो गया मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना, ये जो है स्क्वायर कॉलम हो गया, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉलम जिसका क्या होगा, स्क्वायर दिखने में नहीं लग रहा है लेकिन आप एजुम्पशन करो ना, अरे ये भी रेक्टेंगुलर लग रहा है, उल्टा लिखा गया होगा, ये स्क्वायर जैसा लग रहा है क्या, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो गया आपका रेक्टेंगल और ये आपका स्क्वायर कॉलम हो जाएगा क्या, थोड़ा सा ये लग रहा है ना स्क्वायर, ये तो रेक्टेंगल लग रहा है सीधा, लेंथ हाइट इसका ज्यादा है, विड्थ इसका कम है। फिर ये आपको क्या मिल गया, सर्कुलर कॉलम, है ना, सर्कुलर कॉलम मिल गया। एल शेप का भी कॉलम होगा, कैसे होगा एल शेप का, देखो जैसे आप यहाँ पे वर्टिकल मेंबर कॉलम दिए और थोड़ा सा इसको ऐसे भी प्रोवाइड कर दिए क्या, इसको और एक्सटेंड कर दिए, है ना, निचले वाला जो प्लिंथ एरिया है उसमें हम लोग डिजाइन कर दिए तो और अच्छा, ठीक है, इसमें लोड लेने की इसमें कैपेसिटी और ज्यादा आ जाएगी। टेल शेप का भी कॉलम होगा या वर्टिकली भी हम लोग ऐसे स्ट्रेन कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं हम लोग, है ना, वर्टिकली हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं स्लैब में। तो कौन सा हुआ कॉलम, एल शेप का, और टी शेप का तो होता ही है, टी शेप का भी कॉलम हो गया। हेक्सागोनल, वो हेक्सागोनल भी होगा, टी शेप का निकाल था इसे, देखो टी बीम और टी शेप में अलग, देखो वर्टिकल मेंबर जो होगा टी में, वर्टिकल मेंबर जो होगा, अरे चलो ऐसा है, देखो 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 देखो, चलो जैसे कि हमको इतना स्पेस मिला कॉलम डिजाइन करने के लिए,
इतना स्पेस हमको मिला है कॉलम को डिजाइन करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या बनाएं, फाउंडेशन बनाएं, क्या बनाएं ना, तो हो यहाँ पे हम लोग फाउंडेशन बनाएं, ठीक है। अब यहाँ से बीच का एक कॉलम निकाल दिए, यहाँ से इस प्रकार का ऊपर, यहाँ रेनफोर्समेंट दिए, यहाँ रेनफोर्समेंट दिए, यहाँ रेनफोर्समेंट दिए, तो ऊपर चल जाएगा ना, नीचे भी रहेगा कुछ देर के लिए। टी टी शेप का हो गया कि नहीं, बोलो, टी बन रहा है ना, तो ये टी शेप का हो गया हेक्सागोनल, तो समझ रहे हैं कि ऊपर चला जाएगा हेक्सागोनली। ऑक्टागोनल, तो ऑक्टागोनल ऊपर चला जाएगा। तो ये सब था डिफरेंट शेप ऑफ कॉलम, ठीक है, डिफरेंट शेप कॉलम का था, है ना। अब हम लोग देखते हैं, देखो कॉलम में सब डिजाइन करने का सबसे, कॉलम जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें इसेंट्रिसिटी जनरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाता है तो बकलिंग का चांसेस हो जा सकता है ना। कॉलम में क्या होगा, बकलिंग होगा ना जी। अरे बीम में क्या होता था, बेंडिंग। ओहो, बीम में क्या होता था, बेंडिंग। अरे बेंडिंग होता था ना, यहां से बेंड कर जाता था इस प्रकार, बोलो करता था ये नहीं, हैं, ये बेंड करता था ना, यहाँ से लोड अप्लाई करोगे तो में लोड, इसको लेने की जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपने लोड अप्लाई कर दिया है, तो इसमें बकलिंग आ जाएगा, हैं, फिर लोड अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो डिजाइन लोड से ज़्यादा है भी, तो आपको इसमें बकला बकलिंग हो जाएगा। अब लेकिन ऐसा वर्टिकल मेंबर है तो इसमें क्या हुआ, हैं, बकलिंग होगा, सॉरी इसमें बेंडिंग होगा, मैं क्या बोल दिया जी, इसमें बेंडिंग होगा, इसमें क्या होगा, बेंडिंग, है ना, इसमें बेंडिंग होगा। और ये लोड जितना इस कॉलम को सहने की कैपेसिटी है उससे आप ज़्यादा लोड अप्लाई कर दिए हैं, आप डिजाइन लोड से ज़्यादा लोड अप्लाई कर दिए हैं इस कॉलम पे, तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, बकल कर जाएगा, इस प्रकार ऐसा मुड़ सकता है कॉलम, है ना, कॉलम इस प्रकार मुड़ सकता है आपका, बकल कर जाएगा, ठीक है, ये कॉलम बकल कर जाएगा इस प्रकार, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो ठीक है। तो मतलब कॉलम में क्या होगा, बकलिंग होगा अगर आप इसेंट्रिसिटी जनरेट कर दिए तो, लेकिन अगर इसेंट्रिसिटी जनरेट नहीं करें ना तो मैक्सिमम लोड वो ले सकता है, मोमेंट उसमें आएगा ही नहीं, तो बकल होगा कहाँ से, अरे कोई चीज़ बकल कब होगा, मोमेंट अप्लाई करते तब ना रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल होगा। इसको सेंटर से अगर लोड अप्लाई कर देते हैं, एक्जियली लोड अप्लाई कर देते हैं, एक्जियल समझते हो ना, सेंटर के अलोंग लोड को पास करते हैं, एकदम बीचों बीच लोड अप्लाई करते हैं उस कॉलम से, तो फेलियर का चांसेस बहुत बहुत कम रहता है, ठीक है। मतलब इस पर हम मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं, एक्जियली सेंट्रिकली सेंट्रिसिटी क्या कर रहा है, सेंट्रिकली लोडेड कॉलम यूनिएक्सियली बेंडिंग, मतलब इसमें बेंडिंग कम आएगा, मतलब ध्यान में रखना है कि लोड जो अप्लाई हो रहा है एक्जियली हो रहा है। कहीं पे आप देखे हो पियर, देखे हो पियर, समझते हैं ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़े है ना, तो पियर क्या होता है, ब्रिज का कॉलम होता है, जैसे आपका घर का कॉलम हो गया वर्टिकल मेंबर कॉलम हो गया, उसी प्रकार ब्रिज का वर्टिकल मेंबर पियर हो गया। तो पियर इसलिए नाम रखते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा साइज होता है, डिजाइनिंग में काफ़ी रिइंफोर्समेंट लगता है, कंक्रीट लगता है, तो उसका साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको पियर बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो हो कहीं पे सॉकर लगा हुआ रहता है पियर के ऊपर, ठीक है, पियर के ऊपर कहीं पे सॉकर लगा हुआ रहता है, बीच 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 में रहेगा ना कॉलम के, मतलब पियर के बीचों बीच में रहेगा, मतलब इसेंट्रिकली रहेगा, उसमें कोई मोमेंट जनरेट नहीं होगा, अगर जनरेट होगा ना तो फेलियर का चांसेस ज़्यादा होगा। हो सकता है डिजाइन लोड उसका 10 किलो न्यूटन है तो 5 ही किलो न्यूटन में फेल कर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। इसेंट्रिसिटी क्या होता है कि ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे आप लोड अप्लाई किए हैं तो इसमें क्या जनरेट हो गया, इसेंट्रिसिटी ई, सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ पे लोड अप्लाई किए हैं ना, वहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया। तो
आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि लोड एकदम बीचों बीच से पास हो, ठीक है, ये सेंटर से दूर फाइबर पे लोड ना लगे, ठीक है, एक्जियली लोडेड हो, ठीक है। तो ये आपका एक्जियली लोडेड कॉलम है, ये इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे हमने फोर्स को अप्लाई किया ना जी, तो सेंटर से तो पास नहीं हुआ, तब यहाँ पे क्या, यहाँ का मटेरियल जितना स्ट्रांग है यहाँ का मटेरियल उतना ही स्ट्रांग है, नहीं, यहाँ का मटेरियल ज़्यादा स्ट्रांग है, यहाँ का वीक है, ठीक है। इस पर लोड अप्लाई करिएगा तो बेंडिंग का चांसेस बनता है, क्योंकि फोर्स यहाँ पे कम है जी, कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे कम है, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, रजिस्टिंग मोमेंट की बात कर रहा हूँ, रजिस्टिंग मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा ना, इसका कम होगा, और डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, बेंड करने वाला मोमेंट है, रजिस्ट करने वाला मोमेंट, तो रजिस्ट करने वाला मोमेंट वो स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, और बेंड करने वाला मोमेंट एक्सटर्नल लोड के कारण आएगा, हैं, और रजिस्टिंग मोमेंट स्ट्रक्चर के अंदर से जो कैपेसिटी है ना आपके अंदर पोटेंशियल, उसी प्रकार स्ट्रक्चर के अंदर पोटेंशियल होता है, वो उसको मोमेंट बेंड होने से रोकता है। तो इंटरनल भी होता है मोमेंट और एक्सटर्नल भी मोमेंट होता है, तो इंटरनल जो मोमेंट होगा वो रजिस्टिंग मोमेंट होगा और एक्सटर्नल जो मोमेंट होगा बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार समझ गए, ये है क्या, ये भी इसेंट्रिकली लोडेड है ना, लेफ्ट साइड से है, राइट साइड से, मतलब कहीं पे आप सेंटर से दूर लोड अप्लाई कर दीजिएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा ना, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बात किया था कि स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, देखो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेसिव मेंबर इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ लीस्ट लैटरल डायमेंशन, मतलब देखो अब लीस्ट लैटरल डायमेंशन इफेक्टिव लेंथ को बोलेंगे ना, टू द लीस्ट लैटरल डायमेंशन, मतलब कि विड्थ हो गया ना लीस्ट लैटरल डायमेंशन, देखो एक हो गया बहुत सारा लंबा चौड़ा और एक हो गया विड्थ, तो कौन सा इसमें लीस्ट होगा, बी वाला ना, यही वाला होगा ना, जितना इसका इतना इसका उतना इसका इतना, जो मतलब लीस्ट होगा। अब इसमें ये भी लिस्ट हो सकता है, ये भी लिस्ट हो सकता है, ये भी लिस्ट हो सकता है, तो अगर आपका रेक्टेंगल है तो उसमें आपको थोड़ा सा डिसाइड करना होगा कि लिस्ट कौन होगा, विड्थ वाला। अगर आपका स्क्वायर है तो आप मून के आप ले सकते हैं, जितना एक का साइज होगा उतना ही दूसरा का साइज होगा। अरे आपको ऐसा है जी, लीजिए ना, ये कॉलम है ऊपर वर्टिकल, कुछ कॉलम ऐसा गया है, हाँ ऐसा जाएगा ना जी, ऐसा कॉलम बनेगा, तो इसमें हो सकता है ये क्या है, बी वन डिस्टेंस है, ये बी टू है, तो हो सकता है बी वन का साइज ज़्यादा हो बी टू से, तो उस वक्त आपको क्या लेना होगा, बी टू लेना होगा, लिस्ट लैटरल डायमेंशन लेना होगा, ठीक है, विड्थ में ही, हाँ ये लेंथ तो ये हो गया, ऊपर कॉलम का लेंथ हो गया, बड़का को कितना कॉलम है वो वाला, और ये विड्थ हो गया, ठीक है ना, ये वाला विड्थ हो गया, ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम, हाँ लिस्ट लैटरल डायमेंशन यही हो गया, डिसाइड कर लीजिएगा यहाँ से कौन लिस्ट लैटरल डायमेंशन होगा, ठीक है, तो चलो ठीक है, तो द कॉलम आर क्लासिफाइड एज अ फॉलोइंग टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द स्लेंडरनेस रेशियो, शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम, द कॉलम इज कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट व्हेन द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम दैट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लैटरल डायमेंशन, ये भी क्या लीस्ट लैटरल डायमेंशन, और इफेक्टिव लेंथ हम बताएंगे भी, टेंशन नहीं लेना है, इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम कॉलम है वो पता नहीं, तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना, धैर्य रखिए, हम एल इफेक्टिव बताएंगे, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब अभी बताए थे ना थोड़ी देर पहले कि एल इफेक्टिव अपॉन बी यानी लिस्ट लैटरल डायमेंशन, इसको लिख लो, ये क्या होगा लिस्ट, है ना, यहाँ पे देखो लिखा ना जी, अरे ये लिखा हुआ है ना लिस्ट लैटरल डायमेंशन, तो क्या होगा लिस्ट लैटरल डायमेंशन, ये जो नीचे वाला होगा लैटरल, देखो 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 डायमेंशन, है ना,
लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा जो नीचे वाला जो होगा, ऊपर एल इफेक्टिव होगा, इसको लेमडा बोलेंगे। अगर ये क्या है कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन लेस देन होगा 12 से और इक्वल टू, मतलब ऐसे एल इफेक्टिव अपॉन बी लेस देन इक्वल टू 12, यानी लेमडा का वैल्यू लेस देन 12 होगा तो आपका शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक है। लॉन्ग कॉलम क्या होगा, लॉन्ग कॉलम क्या होगा कि द स्लेंडरनेस रेशियो का डायमेंशन ग्रेटर देन 12 होगा तो वो लॉन्ग कॉलम होगा, और सिलेंडर कॉलम भी उसको बोल सकते हो, है ना। तो एल इफेक्टिव अपॉन बी का रेशियो ग्रेटर देन 12 होगा तो कॉलम कैसा होगा, लॉन्ग कॉलम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एल इफेक्टिव होता क्या है ना, एल इफेक्टिव हम लोग निकालते कैसे हैं, और डिजाइन पर भी पहुंचेंगे, कॉलम के डिजाइन पे भी उस पर उस लेक्चर में हम लोग पहुंचेंगे। ये था इंट्रोडक्शन आपका इसमें। अब बताइए कि सर ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, तो ये हवा में नहीं बनता है ऑब्जेक्टिव, इसी से बनता है ना। अब पूछ देगा कि क्या लेटरल डायमेंशन आपका 12 है तो बताइए कौन सा कॉलम होगा, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, सिलिंड्रिकल, है ना, कुछ भी नन ऑफ दी दे देगा, तो आप क्या करिएगा, इसमें बता दीजिए कि सर लॉन्ग कॉलम है ना, वही बता दीजिए। नहीं, क्या हम बोले हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 होगा तो शॉर्ट कॉलम होगा, और सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू ग्रेटर देन 12 होगा तो शॉर्ट लॉन्ग कॉलम होगा, शॉर्ट कॉलम लेस देन 12 होगा तो शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं, बहुत सारा इसमें पढ़ने के थ्योरी पढ़ने से, मतलब उसका तरीका डिजाइन करने का तरीका पढ़ने से ही ऑब्जेक्टिव आपका बन जाए, है ना। इसमें और उत्पटांग देगा तो समझो सिलेबस से बाहर दे रहा है, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।